खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर आ रही है, आईएनएक्स घोटाले में फंसे चिदंबरम सुप्रीम कोर्ट पे अपने मामले की सुनवाई के लिए तरस रहे हैं। आज सुनवाई होने की चर्चा थी, लेकिन आज भी सुनवाई होगी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। सीबीआई रिमांड में भेजे जाने की निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली चिदंबरम की याचिका शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद आज सुनवाई की लिस्ट में नहीं है। चिदंबरम के वकील सिब्बल ने जस्टिस भानुमति की कोर्ट में लिस्टिंग का मामला उठाया है। जस्टिस भानुमति ने कहा, जिस पेटिशन को औपचारिक नंबर न मिला हो उसकी लिस्टिंग के लिए सीजीआई की अनुमति जरूरी है। जज ने रजिस्ट्री से कहा है कि वो मामला देखें। तो देखिए, बेकरार है चिदंबरम, लेकिन सुनवाई होगी या नहीं यह अभी तय नहीं है। तो आज सुनवाई की लिस्ट में चिदंबरम का केस फिलहाल नहीं आया है। हम सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद। ओम प्रकाश, कुल मिलाकर मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई पी चिदंबरम की। बिल्कुल रोमाना, जैसा कि हमने अपने पहले भी अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले बताया था कि सीबीआई का पूरा फोकस वो राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ है और सीबीआई पूरी तरह से अपने कार्ड आज राउज एवेन्यू कोर्ट में खेलेगी, जहां वो इस बात की कोशिश करेगी कि पी चिदंबरम को एक बार फिर से सीबीआई रिमांड पर लाया जा सके। इसके लिए सीबीआई हेडक्वार्टर में इस समय रिमांड पेपर तैयार किए जा रहे हैं, और चूंकि पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, ऐसे में इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया सकता रोमाना कि पी चिदंबरम को एक बार फिर सीबीआई रिमांड पर भेज दिया जाए। रोमाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश तिवारी। तो सीबीआई से राहत वाली सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका पी चिदंबरम की, वो लिस्टिंग के लिए अभी तक सामने आई ही नहीं है, उसका नंबर ही नहीं लगा है। इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। फिलहाल पी चिदंबरम के लिए आज का दिन एक बार फिर से मुश्किलों भरा होता नजर आ रहा है।